हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुजुकी मेरे यूट्यूब चैनल हनी 8.6 ब्लॉग में। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर के मेले में और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे देखो ये दीदी भी खड़ी हुई है और अभी जाएंगे हम लोग मेले के लिए। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग हमेशा की तरह चल दिए मेन रोड की तरफ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेला के गेट पे और यहाँ पे आ चुके हैं। वैसे तो देखते हैं क्या सीन है अंदर। वैसे तो मैं एक बार आ चुका हूँ, एक बार दोबारा आए हैं हम लोग। चलो देखते हैं क्या होता है अंदर। यहाँ पे तो सारी कार के शोरूम्स भी लग गए हैं। जब मैं यहाँ पे क्या कहते हैं पहली बार आया था, मतलब इससे पहले एक दिन आया था मैं, तो फिर यहाँ पे कार के शोरूम बन रहे थे और अभी तो सारे लग गए हैं यहाँ पे। महिंद्रा है, होंडा है, किया है और भी बहुत सारे सुजुकी ब्रांड है, सारी कारों के ब्रांड यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे देख लो टाटा मोटर्स भी है। चलो चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। सबसे ज्यादा मजा तो मेरे को झूला झूलने में आएगा, तो झूला झूलते हैं सबसे पहले। भाई मतलब कुछ ज्यादा कार के ब्रांड नहीं लगे हैं, देख रहे हो लिटरली वहां तक सिर्फ कार के ब्रांड लगे हैं। भाई बहुत बड़ा मेला है यार भाई, मतलब इतने जब मैं आया बन रहे थे भाई, इतनी जल्दी देख सारे लग गए। गाइस चलो अब हम लोग एक कार खरीद लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मैं रिपोर्टर हनी बात कर रहा हूँ आपसे डायरेक्ट ग्वालियर व्यापार मेले से। अगर आपको कोई भी कार से देखिए कार चाहिए सस्ते दामों पे तो मिलिए, संपर्क करिए मेला ग्राउंड ग्वालियर, मेला ग्राउंड पे संपर्क करिए, वहाँ पे आपको सस्ते रेटों में कार मिलेगी। मैं आपके साथ बना रहूंगा, मिलता हूँ आगे। मेले में घुसते ही सबसे पहले हम लोगों को दिख जाती है भेलपुरी, तो फिर क्या हम लोग जल्दी से इस पर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले मेरी दीदी से ट्राई करती है और मैं इससे पूछता हूँ कैसी है, तो ये बोलती है Nice. तो गाइस अभी हम लोगों ने भेलपूरी खा ली है और अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम दरबार के अंदर, यहाँ पे देखते हैं कैसा सीन चलता है। यहाँ अंदर आते हैं हम लोग को दिख जाती है एक अनोखी दुकान जिसपे हर चीज 10 रुपए की मिल रही थी। फिर उसके बगल वाली दुकान पे ही मुझे दिख जाते हैं M6 10 के 80,000 रुपए वाले शूज। तुझे 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। तो मुझे आती है गुस्सा और मैं M6 10 के 80,000 रुपए वाले शूज 10 रुपए में खरीद लेता हूँ। यहाँ से जो सामान लेना था वो तो ले लिया, शायद हम लोग यहाँ से जाएंगे क्योंकि दीदी और मम्मी की शॉपिंग तो खत्म ही नहीं हो रही है। फ्रीली हर दुकान पे रुक रहे हैं भाई ये लोग, हर एक दुकान पे रुक रहे हैं। ये हर 10 रुपए माल वाली दुकान पे भी रुक जाती है। शकल चुबा रही है, भाग रही है खरीद के हमें दी थी। लग तो भाई ऐसा रहा क्योंकि सेम गुल्लक मेरी जैसे पास वैसी यहाँ पे रखी है। मेरे स्कूल के दोस्तों सच्चाई सामने आ गई, मैम ने कहा से गुल्लक ली थी पता चल गई है। अब मैम तक ये वीडियो ना पहुंच जाए वरना मेरे को वहीं से मारेंगी मैम। फिर मुझे ग्वालियर के अंदर ताजमहल के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद मुझे दिख जाता है 360 वाला स्टेज जिसपे अंकल बहुत ही कूल वे में अपनी वीडियो बनवा रहे होते हैं, पर मैं ये नहीं करूंगा। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह को समझे, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सही। इन सब के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और निकलते ही मेरे को एक और 360 वाला स्टेज दिख जाता है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि आज संडे वाले दिन भी यहाँ पे उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है जितनी बाकी दिनों में रहती है। भाई जल्दी जाओ भाई, बच्चा खो गया है। फिर मैं थोड़ी और काम की चीजें देखता हूँ जिसे देखते ही मुझे बहुत जोर से गर्मी लगने लगती है, तो मैं अपने मन को ठंडा करने के लिए एक सॉफ्टी खा लेता हूँ। एक सॉफ्टी भैया मेरे को दो। तो गाइस मैंने ले ली है 10 रुपए वाली सॉफ्टी, अब मैं से खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। फिर मेरी दीदी ले लेती है पाइनएप्पल और मैं उससे मांगता हूँ तो वो मुझे सीधा सीधा मना कर देती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर मैं अपनी बैगन सी शकल लेके पाइनएप्पल ना मिलने की खुशी में गम मना ही रहा होता हूँ कि उतने में मुझे ये दिख जाता है। झूले दिख रहे हैं, अभी चलते हैं इसके पास। अभी एक दो दुकान में बच्चे मम्मी और दीदी उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे झूला झूलने और मैं अपने साथ पापा को झूलोगे या फिर नहीं। उसके बाद मम्मी और दीदी इस वाली दुकान में आ जाती हैं। एक बार फिर से ए बॉय
सारी बातें साइड करके हम लोग आ जाते हैं सीधा इस वाली दुकान पे, क्योंकि हम लोगों को खाना था जाइंट पापड़। और हम लोग पापड़ खाना शुरू करते हैं कि जिस चीज का डर होता है वही होता है। बारिश रुकने के बाद हम जैसे ही दुकान से निकलते हैं तो देखते हैं मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और बारिश होने की वजह से सारे झूलों को रोक दिया जाता है। गाइस अभी बारिश रुक चुकी है और अब हम लोग आ गए झूले वाले पोर्शन में, और अभी मैं झूलूंगा, देख रहा हूँ कौन सा झूला झूलूंगा। लेकिन झूला झूलने से भी जरूरी है कुछ खाना, तो मैं जल्दी से भैया को पैसे दे देता हूँ और एक पिज्जा का ऑर्डर भी कर देता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ मेरी प्रजाति के लोग भी दिख जाते हैं जो कि ब्लॉगिंग करते हुए ही जा रहे होते हैं। फिर 5 मिनट बोल के भैया हमें 25 मिनट में हमारा पिज्जा दे देते हैं और फिर हम लोग उसे 10 मिनट में ही निगल के चल देते हैं आगे की तरफ। खा पी कर हम लोग मस्त होके आ जाते हैं झूले झूलने। लेकिन यहाँ पे आके मैं एकदम से कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे झूले तो बहुत सारे होते हैं पर मैं झूलू कौन सा, क्योंकि ग्वालियर के मेले में तो एक नहीं इतने झूले लगते हैं। किसी ने सोची ना होगी। फिर मैं अपने बिग ब्रेन का इस्तेमाल करके इन सारे झूलों में से मुझे जिस झूले में जाना होता है उस झूले को डिसाइड कर लेता हूँ, लग जाता हूँ टिकट लेने के लिए लाइन में। फिर फाइनली मुझे टिकट मिल जाती है। फिर मैं अपनी मम्मी पापा दीदी सबसे पूछता हूँ मेरे साथ चलने के लिए, पर कोई भी मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं होता है, तो इसलिए मैं खुद ही अकेले चले जाता हूँ। झूला झूल के मैं आ जाता हूँ जल्दी से नीचे, और नीचे आने के बाद सब कुछ तो ठीक है गाइस, पर मेरे को एक दुकान नहीं मिल रही है, मैं उसे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ और पता नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा। मैं अभी 2-4 दिन पहले आया था तब मैंने देखी थी वो दुकान, ग्रेविटी नहीं मिल रही है मेरे को। ग्रेविटी आपने रील्स में भी देखी होगी बहुत सारी, उसी दुकान को ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ग्रेविटी पे जाना है, ग्रेविटी की कमी है। ग्रेविटी 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 तो नहीं मिलती, लेकिन हमें मिल जाती है चद्दर की दुकान, जहाँ पे आके मम्मी और दीदी अपना काम करते हैं और मैं अपना। उसके बाद मुझे मेले में दिख जाते हैं रिपोर्टर भैया जो सबका डांस करा रहे होते और इंटरव्यू ले रहे होते, तो मैं इनसे पूछता हूँ डांस करने के लिए तो ये मुझे मना कर देते हैं, कहते हैं बच्चों का डांस नहीं करा रहा हूँ। इन भैया ने ये बात बोलकर अपनी औकात दिखा दी। खैर फिर इनकी बातों को साइड करके मैं मेले के सबसे फेमस गाने का मजा लेने लगता हूँ। फिर मुझे दिख जाती है ग्वालियर मेले के एक और सबसे ज्यादा फेमस चीज, पंडित जी का टमाटर सूप कॉर्नर। तो क्या जल्दी से चलो ट्राई करके देखते हैं टमाटर सूप। यार इंडिया की कंपनी के गवर्नमेंट का ब्लैक रखा है, ऐसे ले आया है तू कचले में से उठा के ले आया है। अरे जेब में डले थे अंकल, होगा मैंने जानबूझ के तो फाड़े नहीं। अरे ये क्या यार जेब तुम्हारी बढ़िया रख रहे हैं, दूर अच्छे रहे। अरे मैं क्या करूँ अंकल, ये बनाया तुम्हारी वस्तु बना के कल चम्मच डाल दो उसमें। इतनी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मुझे मिल जाता है मेले की सबसे ज्यादा फेमस ड्रिंक, और ये सूप दीदी के कहने पे लिया तो सबसे पहले इसे दीदी की ट्राई करती है, और इसको ये बहुत ज्यादा गर्म लगता है। कैसा है? कैसा है? अच्छा है बुरा? इस चोर की बातों पे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा होता है, तो फिर मैं खुद ही सूप को ट्राई करने के सोचता हूँ। जैसे ही मैं सूप को टेस्ट करता हूँ मुझे भी ये सूप कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आता है। फाइनली मिल चुकी है मेले की सबसे यूनिक शॉप जो कि है आगे मेरे अजवासी, इस दुकान का नाम है। और भाई सबसे ज्यादा यूनिक है ये ग्वालियर के मेले में, क्योंकि भाई अभी देखना मैं अभी आपको सामने दिखाऊंगा जस्ट, फिर देखना कितना अच्छी है ये दुकान। अब देखो भाई, अब देखो, अब ज्यादा अच्छे से दिख रही, कितनी बड़ी दुकान है और भाई हर जगह एक ही जैसे पोस्टर है भाई। सबसे ज्यादा यूनिक लगती है मेरे को ये मेले में, वहां से पूरा एंड तक इतनी लंबी दुकान है भाई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अब हम लोग घर जाने वाले हैं और काफी ज्यादा मजा आ रहा है, और अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे ग्रेविटी दुकान भी नहीं मिली तब से। ग्रेविटी तो नहीं मिलती लेकिन मुझे मिल जाती है रोलर वाली आइसक्रीम, पर मैं इसको नहीं खाता क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार आइसक्रीम खा चुका हूं। लेकिन मैं खाने की सोचता हूं अमेरिकन भुट्टे को, पर इस पूरे भुट्टे को मैं अकेले नहीं खाऊंगा क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। गाइस फाइनली हम लोग मेले को बाहर करा के अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, कैसा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ग्वालियर वाले जहाँ से भी देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बताना अगली बार भी अभी मैं मेला आऊँगा ग्वालियर वाले बताना जो जो मेला आ चुका है, ग्रेविटी दुकान कहाँ पर। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।